जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में जो है झारखंड चौकीदार से संबंधित कुछ जो है जीके को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सारे इम्पोर्टेंट लिए गए हैं और ये प्रश्न आपके जो है झारखंड चौकीदार में पूछे जा सकते हैं। एक सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर आपको हम बता दें कि झारखंड चौकीदार का जो परीक्षा होने वाला है उसमें जो है टोटल आपको 50 प्रश्न पूछेंगे, जिसमें जिला से संबंधित भी प्रश्न पूछेंगे, झारखंड से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसके बाद क्षेत्रीय भाषा से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। लगभग सभी जिलों में चौकीदार की जो है वैकेंसी निकली थी और सभी में भरा गया है, अब एग्ज़ाम देने की बारी आई है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका दुमका जिला से है कि झारखंड के किस जिले में मलूटी मंदिर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा दुमका जिला। एक अगला प्रश्न आपका है घोटुल क्या है। तो घोटुल जो है ये संथाल जनजाति का युवा ग्रह है। आपको बता दें कि इसमें सारे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको परीक्षा के टाइम में रिवीजन करने में सुविधा होता है, क्योंकि इसमें कम समय में अधिक प्रश्न का आप रिवीजन कर सकते हैं, इसीलिए हम इस तरह का टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली हुई है। तो झारखंड में सबसे अधिक कोई नृत्य अगर यदि फेमस है वो छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य जो है झारखंड का एक तरह से कहिए मुख्य नृत्य है और इसको अपने राष्ट्र में तो पहचान है ही, ये विदेशों में भी छऊ नृत्य जो है अपना पहचान अपना छाप छोड़ चुका है। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग जो है पाट क्षेत्र है। अच्छा, अगर यदि पूछा जाए कि झारखंड का सबसे ऊँचा पहाड़ कौन सा है, तो झारखंड का सबसे ऊँचा पहाड़ जो है वो आपका पारसनाथ पहाड़, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ ये आपका गिरिडीह जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना। तो मैथन डैम जो है 1958 ईस्वी में बराकर नदी के ऊपर बना हुआ है। अच्छा, आपको एक प्रश्न यहाँ पे बराकर नदी से प्रश्न आए तो एक प्रश्न और बता देते हैं। जैसे यहाँ पे मैथन डैम है ना, यहाँ पे अगर यदि आपको पूछ दे तिलैया डैम किस तिलैया डैम जो है वो किस नदी के ऊपर बना है और किस जिला में है झारखंड के, तो तिलैया डैम जो है कोडरमा जिला में स्थित है और वो बराकर नदी के ऊपर बना हुआ है। उसका भी जो समय है बनने का वो लगभग लगभग इसी टाइम में बना है, ठीक है, यानी कि 1950 से 60 के दशक में। अगला प्रश्न देखिए, जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। तो जपला जो है ना सबसे अधिक वहाँ पे सीमेंट उद्योग है। जपला जो है सीमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सी दो बड़ी कंपनियों ने झारखंड में स्टील प्लांट लगाने की घोषणा की है। तो अडानी और वेदांता ग्रुप जो है सबसे अधिक जो है इन लोगों ने क्या किया है, घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है। सही उत्तर राधा कृष्ण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला कौन सा है। तो राज्य का सर्वाधिक वनाच्छादित जिला जो है वो चतरा जिला है। अगला प्रश्न है, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह जो है किस जिले में स्थित है। बोकारो जिले में स्थित है। बोकारो जिला का भी जो है चौकीदार वैकेंसी भरा गया है, बहुत सारे लोग भरे हैं, तो आप लोग भी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी अमेरिकी कंपनी ने झारखंड को डिजिटल क्लाउड सर्विस सेवा प्रदान करने की घोषणा की है। तो ओरक्कल, ठीक है, इसका ओरक्कल जो है इन्होंने सेवा देने की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC उद्योग किस देश की सहायता से स्थापित हुआ था। तो ये सोवियत रूस की सहायता से स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन से त्यौहार के दौरान जनजाति महिलाएँ पूरे दिन पुरुषों के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है। तो मुक्का सेंद्रा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में उर्वरक आने की फर्टिलाइजर का प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो सिंदरी जो है, झारखंड में सिंदरी जो है यहाँ पर उर्वरक आने की फर्टिलाइजर का प्रथम कारखाना को स्थापित किया गया था। भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा गंगा नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, बिहू पर्व यात्रा पर सेंद्रा कहाँ मनाया जाता है। तो झारखंड के दलमा अभ्यारण्य के आसपास में। अगला प्रश्न है, 12,000 एवं 13,000 के नाम से कौन से जनजाति फेमस है। तो या फिर कौन से जनजाति को जाना जाता है 12,000 एवं 13,000 के नाम से। तो ये चेरो जनजातियाँ जो है इनको 12,000 और 13,000 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है। तो सौरिया पहाड़िया जो है इसको मलेर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। 5,000 कर दी गई है, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगर यदि आपको भागीरथ मांझी का जीवनी देखना है तो भागीरथ मांझी का जीवनी करके जीके विथार के बगल में लिखिएगा तो उसके इनके बारे में भी आ जाएगा। हमने भागीरथ मांझी के बारे में भी जो है एक वीडियो डाल के रखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में मंडल डैम कहाँ बनाया जा रहा है। तो उत्तरी कोयल नदी पर।
अगला प्रश्न है, हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? मुंडा होता है। अगला प्रश्न है, छिन्न मस्तिका मंदिर के किस देवी की मूर्ति प्रतिस्थापित है? तो छिन्न मस्तिका जो मंदिर है इसमें काली माता की जो है मंदिर, काली माता की जो मूर्ति क्या है प्रतिस्थापित है, यानी कि काली माता की वहाँ पर पूजा होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ था? तो सरायकेला जिला जो है यहाँ पर छऊ नृत्य का जन्म हुआ था। रांची जिले के कौन सा रांची जिले में कौन से महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, झारखंड का रांची शहर से होकर के गुजरता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? देवघर लगभग लगभग बन के तैयार हो गया है, जहाज़ उड़ने भी लगी है देवघर जिला में, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो झारखंड में पहला बिजली घर स्थापित किया गया था तिलैया में, और तिलैया में जो बिजली घर स्थापित किया गया था वो तिलैया डैम से ही जो है पानी वगैरह ला करके यहाँ पे बिजली बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस त्यौहार में अविवाहित युवती एक लकड़ी या बांस की सुसज्जित चौखटे को रंगीन कागज़ से सजाकर पास की नदी में समर्पित करती है? तो ये जो टुसू पर्व होता है ना, टुसू पर्व में क्या होती है कि जो भी अनमेरिड जो लड़कियाँ होती है, जो युवती होती है, वो क्या करती है ना, एक नाव टाइप का बना करके कुछ जो है बना करके वो लोग आसपास की जो नदी होती है उसमें ले जा करके वो लोग पानी में नदी में समर्पित करती है। और ये सारा किस में होता है? टुसू पर्व में होता है, और टुसू पर्व झारखंड में बहुत जगह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रेप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो राजमहल ट्रेप जो है झारखंड में उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ पर? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उलगुलान किससे जुड़ा हुआ था? सबसे पहले तो उलगुलान का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उलगुलान का मतलब हो गया आंदोलन, झारखंड में इसको उलगुलान कहा जाता था। तो उलगुलान शब्द बिरसा मुंडा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में किसे चुना गया? ये बहुत पहले का प्रश्न है, ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं, करंट अफेयर्स का चीज था, अभी ये हट गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कुष्ठ रोगी किस राज्य में पाए जाते हैं? झारखंड में। लेकिन इसके ऊपर भी जो है सरकार लगी हुई है, बहुत काफ़ी हद तक जो है इसको क्या कर लिया गया है, कंप्लीट कर लिया गया है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलगोड़ा में। किस संथाली नाटककार को उसके उपन्यास राही रावण कान्हा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? तो भोगला सुरंग को नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड की एकमात्र कौन सी जनजाति है जो पहाड़ों एवं जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है और साथ ही मजदूरी करना अपना प्रतिष्ठा के खिलाफ भी समझती है? तो ये चेरो जो है जनजाति, ये लोग क्या करते हैं, पहाड़ों एवं जंगलों में रहना पसंद ही नहीं करते हैं और अपने ये लोग जो है मजदूरी को प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते हैं, चेरो जनजाति लोग। अगला प्रश्न है, झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो झारखंड में मिट्टी के टोटल हैं 6 प्रकार। कौन कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी है, अभ्रक प्रधान वाली मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, फिर काली या फिर रेगुर मिट्टी। झारखंड में सबसे अधिक जो मिट्टी की मात्रा जो पाई जाती है वो 90% लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है खेती के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जुबली पार्क कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में जगन्नाथ मंदिर जिसमें जगन्नाथ सुभद्रा बलराम की मूर्तियाँ हैं कहाँ स्थापित हैं? रांची में, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो रांची के नामकुम में स्थित है। झारखंड के पहले राज्यपाल कौन बने थे? प्रभात कुमार, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर जो शहर है ये स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, प्यारा करकेट्टा किस जनजातीय भाषा के रचनाकार थे? तो खड़िया भाषा के रचनाकार थे। अगला प्रश्न है, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है तापीय विद्युत है। तापीय विद्युत मतलब कोयला से जो बनता है वो। अगला प्रश्न है, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे जिन्होंने झारखंड में एक राजनीतिक दल की स्थापना भी की थी? जयपाल सिंह मुंडा, जीवनी पढ़िएगा बहुत अच्छा लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, निकेल बनाने वाली भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये आपका झारखंड है। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके का इतना ही प्रश्न कम्प्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जो है और भी अधिक जीके लेकर के आएंगे। तो अधिक वीडियो देखने के लिए या फिर झारखंड चौकीदार से संबंधित किसी भी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।